हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो अभी कुछ दिनों पहले एसबीआई क्लर्क मेंस की रिजल्ट आउट की गई थी। लगभग 5000 कैंडिडेट्स का उसमें सिलेक्शन हुआ है। अब अगर बात करें कि अगली नोटिफिकेशन यानी कि 2023 की नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगी, तो देखिए एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट आप कर सकते हो अगस्त या सितंबर मंथ में आपको देखने को मिल सकती है। अगर एग्ज़ाम डेट्स की बात करें तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड है अक्टूबर के सेकंड या थर्ड वीक में। अगर मेंस की बात करें तो मेंस नवंबर एंड तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराई जा सकती है। तो इन डेट्स को आप टारगेट मान के प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन करने वाले हो या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि ये क्लेरिकल पोस्ट है तो यहाँ बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें आपको केवल प्रीलिम्स एंड मेंस देना होता है और फाइनल सिलेक्शन मेंस के बेसिस पे ही होती है। यानी कि यहाँ पे पूरा कंट्रोल आपके ऊपर होता है। अगर आप मेंस में अच्छा मार्क्स स्कोर करते हो तो 100% आपकी जॉब हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जैसे इंटरव्यू में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू रहती ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने ऊपर मेहनत करना है। अगर आप मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तो 100% आपके हाथ में एक जॉब रहेगी। तो इसलिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और ग्रेजुएशन में कोई मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया नहीं। यानी कि ग्रेजुएशन आपके कितने भी परसेंटेज हो आप यहां अप्लाई कर सकते हो और साथ ही साथ आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, बस आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अगर आप भी एसबीआई क्लर्क की एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो 2023 में तो आप कमेंट करके बताना कि इससे पहले आपने एग्ज़ाम दिया है या फिर ये आपका पहला अटैम्प्ट रहने वाला है। थैंक यू।